हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरुदास कामत जी का निधन हो गया। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में कामत जी ने अंतिम सांसें ली। उनके अंतिम दर्शन के लिए सोनिया गांधी भी अस्पताल पहुंची और निधन पर गहरा दुख जताया। कामत महाराष्ट्र के रहने वाले थे और मुंबई की दो अलग अलग सीटों से कई दफा सांसद रहे। कामत ने मुंबई से ग्रेजुएशन किया और पेशे से वकील थे। महासचिव और CWUC सदस्य के साथ कामत जी मनमोहन सिंह सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस के कामत करीब 4 साल प्रभारी रहे, साथ ही गुजरात के भी इंचार्ज थे। लेकिन पार्टी से नाराजगी की वजह से अचानक 2017 में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कामत जी की आज सुबह करीब 7 बजे हार्ट अटैक से 63 साल की उम्र में निधन हो गया। कामत के निधन पर कांग्रेस में शोक की लहर छा गई है। पूर्व PM मनमोहन सिंह ने कामत के निधन पर गहरा शोक जताया। वहीं राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी कामत के निधन पर गहरा शोक जताया है। पायलट और गहलोत ने कहा कि अचानक कामत के निधन से बेहद दुख पहुंचा है और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आपको बता दें कि कामत ने प्रदेश कांग्रेस की मजबूती के लिए निष्पक्ष होकर कई काम किए, नेताओं की एकजुटता के लिए डिनर डिप्लोमेसी का प्रयोग किया। वहीं सचिन पायलट के नेतृत्व को बेहतर बताते और मुंबई PCC चीफ संजय निरुपम से अनबन के चलते कामत का विवादों से भी रिश्ता रहा है। दिल्ली से जागरूक TV की रिपोर्ट।